बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे अच्छा और बेहतरीन जो बिज़नेस है ना, वो कैफेटेरिया का है। अगर मैं पूरे अरब की बात करूँ ना, दुबई को छोड़कर, पूरे अरब में सबसे बेहतरीन बिज़नेस है वो कैफेटेरिया का, जिसमें चाय चलता है। सबसे ज़्यादा चाय सेल होता है दुबई में, बल्कि पूरे अरब में। मैं ओमान में भी रहा हूँ तो चाय बहुत ज़्यादा सेल होता है। ये देखें, ये 24 आवर्स इनका ना ये खुला रहता है। सही है, ये होम डिलीवरी भी देते हैं। दो चाय भी किसी ने मंगवाई है ना फ़ोन कॉल करके, इन्होंने बंदा भेज देना होता है। तो मेरे ख़्याल में अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत ही, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट में आप कैफेटेरिया ओपन कर सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन देखें, लेबर एरिया सा देखें, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर रात दिन हो रात हो, यहाँ पर रश रहता है लोगों का चाय के लिए। किसी भी कैफेटेरिया, पूरे सतवे में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, पूरे सतवे में आप कहीं भी चले जाएँ, कैफेटेरिया में आपको ऐसी रश नज़र आएगा। यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद अभी लोग कामों से वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना रश होगा कि आपको खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ चाय सेल होती है ज़्यादा, बाकी सैंडविच वगैरह भी लोग खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं और भी बहुत कुछ खाते हैं। लेकिन ये इसमें ये है कि इसका आपका जो कैफेटेरिया बल्दिया का लाइसेंस है ना, वो भी आपको 12 से 12,000 दरम तक मिल जाता है, ठीक है। 10 से 12,000 दरम, फिर आपके वीज़े निकल आते हैं, 5-6 वीज़े निकल आने हैं आपके। तो आपको 1500 में 1200 में 1400 में प्रोफेशनल बंदे मिल जाने हैं कैफेटेरिया पर काम करने के लिए। सिर्फ आप अपनी चाय का मेयार अच्छा रखें, ठीक है। बेहतरीन ये है कि ये यहाँ से, पहले मैं उधर सतवा डबल वकाले के पास रहता था, तो वहाँ से यहाँ चाय पीने के लिए आता था। अभी तो मैंने इसके सामने स्क्वायर बिल्डिंग बनी है, उसमें हम लोगों ने अपना फ्लैट ले लिया। देखिए, कुछ अभी कल ही हमने फ़ोन करके, इन्होंने 6 चाय हमने मंगवाई हैं ऊपर, तो भेजा आदमी, डिलीवर करते हैं फ्री। तो आप भी ऐसे ही काम करें, होम डिलीवरी फ्री रखें, सही है। आस पास की 3-4 गलियों में, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिज़नेस मिल जाएगा। तो भैया थोड़ा साइड पे हो ना, तो आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस मिल जाएगा। तो इससे अच्छा बिज़नेस नहीं है कैफेटेरिया का। नाम लोकेशन ढूंढे, एक सस्ती, इसका रेंट भी नहीं इतना, ठीक है। ये देखें, एक छोटा सा इन्होंने बस एक छोटी शॉप बनाई है, शॉप में ही इन्होंने अपना कैफेटेरिया का सिस्टम चला लिया है। रेंट भी इनका ज़्यादा नहीं है, तो लोकेशन भी अच्छी है, लोग चाय पीने आते हैं। ये देखें, ये लोग चाय पी रहे हैं, लेकर उधर से आप थोड़ी देर में देखें, ये टेबल पड़ा है। या इधर आपको थोड़ी देर में ना जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए, उधर वो आप इधर देख लें, वो उधर सामने, उधर भी लोग, इधर बहुत सारे कैफेटेरिया हैं, इनका काम ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो इससे अच्छा बिज़नेस नहीं है। अगर आपके पास लो प्राइस है तो आप कैफेटेरिया का बिज़नेस करें। मेरे ख्याल में दुबई में आप दूसरा काम करने की बजाय, आगे पीछे यूरोप जाने की बजाय, अपने पैसे ज़ाया करने की बजाय, एक अच्छा सा कैफेटेरिया बनाएं, उसमें अच्छे कारीगर लेकर आएं, तो ख़ुद भी उस पर काम करें, तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल काम कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक अल्लाह कामयाब करे आपको, तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ, नया बिज़नेस आइडिया लेकर, नई लोकेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट मेज़बान राशिद मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।